राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो वही दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ जो जरूरी बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है और कुछ जो सामान है वो भी आप लोगों को दिखाना है, ठीक है? तो कुछ शॉपिंग की है और जैसे कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, कुछ बच्चों की पहले ही हो गई थी लेकिन हमारे बच्चों की तो अब हुई है, आज हुई है। तो फिर आप लोग कहाँ पे जा रहे हो घूमने के लिए? कौन मामा के चला गया, कौन रह रहा है, या फिर इस बार गर्मियों में आप लोगों का कहाँ प्लान है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। क्योंकि देखो, हम तो वीडियो के जरिए आप लोगों को बता देते हैं, अपनी बात पहुंचा देते हैं, तो आप लोग भी कमेंट के जरिए हमें बताया करो कि दीदी हम वहां पे जा रहे हैं, अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है? तो हमारा अभी ये तो फिक्स नहीं हुआ कि भाई कहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये है कि हाँ अब की बार की जो छुट्टियां हैं ना उसमें जाना जरूर है क्योंकि देखना चाहिए घूम फिर करके। क्या पता कितनी छोटी सी जिंदगी है, कुछ नहीं पता होता, खाओ पियो घूमो फिरो, है ना? तो बस जो अपना है बरत लिया वो अपना है और बाकी जो रह गया वो दूसरों का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सामान है पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और हाँ, जो कल का वीडियो है ना वो जरूर देखिएगा क्योंकि कल के वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। कहीं फिर आप ये बोलो कि दीदी हमने तो यही व्लॉग मिस किया था और यही व्लॉग हमने नहीं देखा, हमने तो इसी व्लॉग पे कमेंट नहीं किए थे, तो जरूर से जरूर जो कल 11 बजे वीडियो आएगा उसको जरूर देखना। एक तो मैंने मंगवाया है ये पर्स क्योंकि मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा, जैसे इसका जो डिजाइन है वो भी थोड़ा सा सिंपल सा भी है, अच्छा भी है और रेट के हिसाब से भी बढ़िया है। क्योंकि ना वरना बहुत सारे जो पर्स स्लिंग बैग हम देखते हैं ना काफी कॉस्टली होते हैं, तो इसका जो रेट है वो सही है और रेट के हिसाब से ये चीज भी बढ़िया है। तो लेदर का है और जो ऑनियन पिंक जो कलर है इसका वो है, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें जो जेब है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये जो इसकी जिप या जो चैन हम बोलते हैं ना, ये भी काफी मजबूत है, ये नहीं है कि भी जल्दी से खराब हो जाएगी। तो एक तो यहाँ पे ये है, ठीक है, और दूसरी ये है। और अंदर ही आप अपने जैसे पैसे वगैरह डालना चाहते हो तो अंदर एक जेब और है, ये देखो इस तरह से। और एक यहाँ पे बाहर की साइड, मतलब कुछ खुले पैसे वगैरह आप रखना चाहते हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो किराए वगैरह के लिए, ताकि आपको जो पर्स है वो खोलना ना पड़े, तो बाहर की जो जेब है उसमें आप लोग डाल सकते हैं या फिर कुछ और जरूरी सामान हो वो, ठीक है? तो चार इसमें पार्टीशन दिए गए हैं, दो छोटे हैं दो बड़े हैं, और यहाँ पे ये इस तरह से जो बटन है वो है। काफी अच्छा है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। मतलब रेट के हिसाब से ये है, आप भी यूज कर सकते हो, ज्यादा आप लोगों को ये भी नहीं होगा भाई हमने इतना महंगा मंगवाया था कम यूज किया, क्योंकि एक चीज से ना बार बार मन उतर जाता है, या फिर जैसे गिफ्ट वगैरह किसी को करना है तो भी बिल्कुल बेस्ट चीज है, ठीक है? तो एक मंगवाया है ये पर्स। और दूसरी चीज मैं दिखा देती हूँ जो कि मेरा काफी टाइम से मन था, बट वही होता था मैं सोच रही थी बाद में लूंगी बाद में लूंगी। तो एक मैंने ये जो बॉक्स है वो मंगवाया है, किस लिए मंगवाया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, लेदर का बना हुआ है, ये जो चीज है ना ये लेदर की है, ठीक है? यहाँ पे ये ग्लास का जो काम है ना वो रखा है ये वाला। और जैसे पहले इस तरह से ये इसका जो लॉक है वो खुलेगा, पहले जो एल्बम नहीं आती थी उनमें होते थे इस तरह के लॉक, ये इस तरह से, ठीक है? और ये यहाँ पे अभी खोला नहीं है ना, तो फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छे से। और यहाँ पे इसमें ये जो 6 जो स्लॉट है वो दिए हुए हैं, यानी ये 6 स्लॉट का वॉच बॉक्स है। इसमें आपको 8 का भी मिल जाएगा, शायद ज्यादा का भी मिल जाए, और जैसे आप अपने जो चश्मे वगैरह रखना चाहते हो साथ में तो उनका भी मिल जाता है, अलग अलग तरह के मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यही मंगवाया है। और इस तरह से आप इसके ऊपर जो अपनी घड़ी है वो बांध करके जैसे हाथ पे बांधते हैं और रख सकते हैं, काफी अच्छी लगेगी, यूनिक सी चीज है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, हम घड़ियां तो बहुत सारी मंगवा लेते हैं, फिर इधर उधर पड़ी रहती है, कई बार मिलती नहीं है, कई बार जैसे ड्रेसिंग टेबल पे रख दी जल्दबाजी में निकाल करके, तो क्या होता है वो नीचे गिर जाती है, कुछ और सामान उठाते हैं और फिर इसका जो शीशा होता है ना ग्लास होता है वो टूट जाता है। तो इसमें हमारी जो घड़ी है वो सेफ रहेगी, अपना पहनी उतारी और इसमें लगा दी और फिर इसी में से पहन ली। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर बताना,
मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ से इसके ही हट जाएगा और इसमें से आपकी जो घड़ियां हैं वो दिखेंगी, तो काफी सुंदर भी लगेगा रखा हुआ भी। और एक मैंने मंगवाया ये बैग, इस तरह से है ये, किसी भी तरफ से आप यूज कर सकते हो, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी छोटा मोटा जो सामान अपना वो डालना चाहते हो, यहाँ पे दी हुई है एक तो जेब, कोई भी छोटा मोटा सामान डालना है एक जेब, फिर ये है एक, ये है, और क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया है, और एक ये, ठीक है। इसमें भी फोर पार्टीशन बने हुए हैं, फोर है इसमें भी, और यहाँ पे आप अपनी बोतल वगैरह रख सकते हैं। और ये देखिए ब्लू कलर का है और प्रिंट आप लोग देख ही सकते हैं। तो एक ये जो बैग है वो मंगवाया है, और एक मैंने मंगवाई है लिपस्टिक, जो कि इस टाइम पे मैंने लगा रखी है, ठीक है। ये जो डीप मैजेंटा कलर होता है ना वो है, ये वाली, वैसे भी अच्छी है और रेट के हिसाब से भी अच्छी है, ठीक है। और भाई मैं बता देती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं अमेजोन से, क्योंकि भाई अमेजोन पे जो सेल है वो लगी रहती है। तो अगर फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है, तो आप लोग भी सेल का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साबुन है वो ली है, ये भी काफी ठीक पड़ गई मुझे, बाई फोर गेट वन फ्री, ठीक है, चार के साथ आप लोगों को एक जो साबुन है वो फ्री मिलेगी। और एक मंगवाया है ये बजाज का जो तेल है वो, तो यही हम ज्यादातर यूज करते हैं, नारियल वगैरह का भी मंगवाती हूँ, लेकिन वो तो जैसे हाथों वगैरह पे मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथों पे ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने मंगवाई थी, कैसे लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग जरूर बताना कमेंट करके। और कोई भी सामान आप इनमें से लेना चाहते हो तो सभी चीजों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो और ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।